तो अगर आप चाहें तो पेस्ट कंट्रोल हो रखा है आप, तो आज पिंकी जी यहीं से डिनर करके जाएंगे हैं। लेकिन सर, आपने तो कहा था दो दिन पहले ही आपके घर में पेस्ट कंट्रोल हो रखा है। हाँ, एक मिनट आप पूछ कर, एक मिनट बात बोलने का भी। सर, आपने तो कहा था कि आपके घर दो दिन पहले ही पेस्ट कंट्रोल हो रखा है ना? भाभी जी ने साहब जी को मच्छरों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा था और आज रात को ना कूट कूट के पिटाई होने वाली है। मतलब ये अलग तरह का पेस्ट कंट्रोल है पुष्पा, है ना साहब जी? बड़े अजीब से फंसे पड़े हैं, पता नहीं पिंकी जी को लग रहा है पता नहीं कब कब वो अपना तलाक का थप्पड़ पिंकी जी का ना आते मुंह पे पड़ जाएगा, पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर, आप अचानक इंस्पेक्टर पिंकी? हाँ जी सर। दाने का क्या हाल बना रखा है और ये सब कपड़े किसके सूख रहे हैं? कमिश्नर साहब, उधर से क्या है कि आपका खाना काफी खुला है ना, तो हम लोगों ने अपने कपड़े लगाए हैं, कितनी देर में उतार देंगे? नहीं नहीं, मतलब आपको पिंकी से समझाते हैं सर। दरअसल हुआ ये कि वो अपने ना मोरारी से उन्होंने ना इन दोनों का निकल दिया घर से, तो पिंकी जी ने ना इन दोनों को पना दे दिया अपने थाने में। आपको तो पता है सर पिंकी जी का दिल कितना नरम हो रखा है। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी, ये थाना है वैसे सराय थाना नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आएगा और तुम उसे पना दे दोगे। तुम्हें मालूम है ना ये थाने में सिर्फ चोर चुके क्रिमिनल्स ही आते हैं। हाँ, निकालो इन लोगों को यहाँ से। होल्ड द लाइट, क्रिमिनल वाली लाइन लेना।